कीर्तन भक्ति। तो कीर्तन भक्ति की आचार्य द्वारिका में है श्री रोहिणी मैया। सब कृष्ण पटरानियां जब कभी भी अवसर मिलता है रोहिणी जी को लेकर के बैठ जाती हैं, क्योंकि रोहिणी जी ने संपूर्ण लीला का दर्शन किया है अपने आगे, इसलिए सब उन्हीं से पूछती हैं, आप बताओ कि फिर क्या लीला हुई, ठाकुर जी ने कैसी लीला की, क्या लीला की। एक बार रात्रि में श्री रुक्मणी जी द्वारिकाधीश के चरण दबा रही थी, और चरण दबाते दबाते ठाकुर जी को जैसी निद्रा हुई ना, तो ठाकुर जी का स्वभाव श्रीमद् भागवत में भी भगवान की दिनचर्याओं के वर्णन में एक जगह ऐसा अंकित किया गया कि जिस प्रकार रात्रि में व्यक्ति शयन करने के बाद में श्वास लेता है, ऐसे ठाकुर जी जब रात्रि में शयन करते हैं तो श्वास की ध्वनि की जगह भक्तों के नाम स्मरण ठाकुर जी को होते हैं। कितने भाव की बात है, मेरा नरसी, मेरी मीरा, मेरे कुम्भनदास, मेरे सूरदास, मेरे कृष्णदास, इस प्रकार ठाकुर जी समस्त वैष्णव भक्तों का स्मरण करते हैं। रात्रि में ठाकुर जी के मुख से अनायास ही स्वर के रूप में भक्तों के नाम प्रकट होते हैं। सोचो कभी ठाकुर जी शयन करते समय यूं बोले, मेरो इंद्रेश, मेरे ठाकुर जी, मेरी नर्मदा मैया, मेरी करुणा बहन, इस प्रकार ठाकुर जी कभी शयन करें। और जब बहुत विरह वेदना होती है ठाकुर जी को, भक्तों की अनायास बहुत याद आती है, ठाकुर जी की निद्रा खुल जाती है, रुदन करना प्रारंभ करते हैं, अपने भक्तों से मिलने की ठाकुर जी की इच्छा बढ़ जाती है, तब ठाकुर जी श्री जी का स्मरण करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में है कि विरह वेदना को यदि शांत करना हो तो श्री जी का स्मरण करो। और ये बात कौन कहती है, स्वयं श्री यमुना जी कहती है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्तिराधिका तस्य दास प्रभावेण विरहो स्मान न संस्पृशेत। यदि कोई व्यक्ति श्री जी के शरण ग्रहण कर ले तो निश्चित है उसका विरह शांत हो जाएगा। ठाकुर जी श्री जी का स्मरण करते हैं और प्रारंभ करते हैं, तब रुक्मणी जी के मन में भाव आता है कि हम श्री जी का चरित्र सुने। ठाकुर जी के तो हमने बहुत चरित्र सुने, लाल जी की तो बड़ी लीला सुनी, एक बार ये भी सुने कि श्री जी कैसी है। और श्री जी के चरित्र सुनने की इच्छा रख के श्री रुक्मणी जी आज रोहिणी जी के पास आए, और रोहिणी जी से आकर के कहीं कि आज हमको ब्रज लीला नहीं सुननी, आज ठाकुर जी की बाल लीला नहीं सुननी है, आज का चरित्र सुना। श्री किशोरी जी उनका रूप कैसा, उनका भाव, कई कई बंधुओं कई बार कथाओं में ऐसा भाव प्रदत्त कर दिया जाता है कि रुक्मणी आदि भगवान की पटरानियों को श्री जी से ईर्ष्या है, कहीं ये भाव रहता होगा। परंतु बंधु अभी इस बार द्वारिका आकर के और यहां के कुछ भावों का स्मरण करके ऐसा लगा ये बिल्कुल कदापि असत्य है। श्री जी के प्रति एक किंचित मात्र भी किसी के हृदय में कोई द्वेष की भावना होगी उसको श्री कृष्ण स्वीकार कर सकते हैं क्या, कभी नहीं। ये तो भगवान की पटरानियां हैं, निश्चित है भगवान की पटरानी के रूप में है तो निश्चित ही ये श्री जी से प्रेम करती हैं, इसीलिए ठाकुर जी की पटरानी है। और उनमें भी श्री रुक्मणी जी तो पूर्ण रूपेण, बस वो ये समझ लीजिए कि द्वारिका में पटरानी बन गई, नहीं तो किसी गोपी के भाव से, श्री जी के भाव से, भगवान की वृंदावनेश्वरी सब सखियों के भाव से कोई कम भाव नहीं है रुक्मणी जी का, अत्यंत भाव में रहती है श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी आज आई और रोहिणी मैया से प्रार्थना करते हुए कहती है, हमें श्री जी का चरित्र सुनाओ, हमें किशोरी जी के भाव सुनाओ। तब रोहिणी मैया बोली, देखो तुम सब ब्रज लीला सुनो, सब लीलाएं सुनो, पर श्री जी की लीला का चिंतन यहां मत सुनो। क्यों? शास्त्रों में भी एक श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं, पर जब व्यक्ति राधा बोलता है ना तो रा उच्चारण जैसे ही वो करता है, ठाकुर जी कितने भी व्यस्त हों, कहीं भी हों, तुरंत अपने स्थान को छोड़ करके उसके सामने ऐसे आके बैठ जाते हैं और पूरे शब्द को सुनने तक रुकते हैं।
इतना प्रिय ठाकुर जी को ये श्री जी का नाम। रोहिणी जी बोली, यदि श्री जी का चरित्र सुनाए प्रारंभ किया तो कहीं द्वारिकाधीश जी को आभास ना हो जाए, और कहीं उनको आभास हो गया तो कहीं वो यहाँ ना आ जाए, और यहाँ अगर आ गए तो द्वारिका के विषय में सुनते हैं कि कभी समुद्र में डूबेगी, लेकिन अगर श्री जी का चरित्र यहाँ प्रारंभ कर दिया और द्वारिकाधीश ने सुन लिया तो पूरी द्वारिका नगरी कृष्ण के प्रेमाश्रु में डूब जाएगी। और तभी का ये प्रसंग है कि तब सब भगवान की पटरानियों ने रोहिणी जी के चरण पकड़ लिए, बोले नहीं श्री जी का चरित्र सुनाइए, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। पहरेदारों को खड़ा कर दिया तो बोले पहरेदार रोक पाएंगे क्या द्वारिकाधीश को? तब सुभद्रा जी को विराजमान किया, बोले आप ताके रहना, ठाकुर जी नहीं आ। लेकिन जैसे ही श्री जी का मधुर भाव सुनाना प्रारंभ किया, श्री राधे वृषभानुभूतने, जैसे ही श्री जी का भाव गाना प्रारंभ किया, बस एक बार मुख से श्री राधा नाम उच्चारित श्री रोहिणी जी ने जैसे ही किया, मानो जैसे भयंकर जेठ के महीने में कभी कभी मधुर ठंडी शीतल हवा स्पर्श कर जाती है, कभी कभी बहुत सर्दी के माहौल में कभी कभी ब्लोअर की या किसी हीटर की गर्म हवा स्पर्श करती है, ताप स्पर्श करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही रोहिणी जी के मुख से जैसे ही श्री जी का नाम उच्चरित हुआ, तरंग बन करके गया और जाकर के स्वधर्मा सभा में बैठे द्वारिकाधीश के तन का स्पर्श करने लगे। और जैसे ही अंग का स्पर्श हुआ, बेसुध हो गए द्वारिकाधीश, मानो ऐसा लगा श्री जी ही पधार गई हूं द्वारिका, किसी अत्यंत व्यस्ततम सभा को बीच में छोड़ करके ठाकुर जी दौड़े बलराम जी के पास गए, बोले मोकू कछु है रो भैया, ऐसा लग रहा हो कि श्री जी पधारी हैं द्वारिका में। बलराम जी बोले ना लाला, यहां तो कोई ना आयो। बोले ना मुकु स्पर्श है रो, मुकु ऐसो आभास है रो कि श्री जी पधारी हैं। और बस उन्हीं तरंगों का स्पर्श करते 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 ठाकुर जी उस अंतःपुर में पहुंच गए, जहां समस्त कृष्ण पटरानियां बैठ करके रोहिणी मैया बीच में कीर्तन भक्ति की आचार्या हाथ में करताल लेकर के श्री जी के मधुर कथा को श्रवण करा रही है। द्वार पर रक्षार्थ बैठी सुभद्रा नेत्र बंद करके श्रवण कर रही हैं। जैसे ही कृष्ण पधारे, उनकी मधुर सुगंधी लेकर के सुभद्रा जी के नेत्र खुल गए। रोका, बोले भैया आप भीतर नहीं जाओ। बोले श्री जी आई हैं। बोले श्री जी नहीं, श्री जी की कथा हो रही है, सब कृष्ण पटरानियां श्रवण कर रही हैं। ठाकुर जी की स्थिति ऐसी हो गई, सुभद्रा जी ने सौगंध दी, नहीं भैया भीतर मत जाओ, यहीं विराज जाओ। और उसी समय सुभद्रा जी के दोनों तरफ कृष्ण बलराम विराज गए, और मधुर श्री जी के उस भाव को श्रवण करते 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 प्रेम विगलित श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम की दसवीं अवस्था पार कर गए द्वारिकाधीश। एक मोमबत्ती की तरह जैसे मोम पिघल जाती है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी का सर्वांगन अंग प्रेम विगलित हो गया। उसी समय श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए, चरणों में वंदन किया, जय हो जय हो जय हो भगवान, यह अत्याद्भुत आपका प्रेम विगलित स्वरूप है, कृपा करके पूरे विश्व को इसका दर्शन कराओ। तब बलभद्र जी ने आज्ञा की, ठाकुर जी तो भावावेश में थे, बोले निश्चित कलयुग में जब हमारा चतुर्थ धाम प्रकट होगा, वहां नील माधव रूप में ठाकुर जी विराजमान होंगे, उसी समय इंद्रद्युम्न राजा के संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्री द्वारिकाधीश का यही प्रेम विगलित स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान होगा। तो जगन्नाथ जी को बंधु कभी भी देखो ना, तो मन में यही भाव रखना कि श्री जी के प्रेम का प्रमाण है श्री जगन्नाथ जी। श्री जी का प्रेम दिखता है ठाकुर जी के उस रूप में।
कीर्तन भक्ति की आचार्या हैं श्री रोहिणी मैया। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए जिनके कीर्तन भाव को सुनकर के, ऐसी श्री रोहिणी जी उनके मधुर भाव का दर्शन हुआ। तो ये है कीर्तन भक्ति। अब यहां दोनों स्थिति पता चली, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति दोनों की स्थिति क्या। रोहिणी जी कीर्तन भक्ति के आचार्य ऐसा श्रवण करा रही हैं कि ठाकुर जी दूर स्वधर्मा सभा में बैठे हुए खिंचे चले आए, और यह अनुभूति नहीं हुई कि कथा चल रही है, अनुभूति भी ऐसी होने लगी स्वयं श्री जी पधारी हैं। ये कथा की प्रमाणता है, ये कथा की प्रधानता है। और द्वारिकाधीश का जगन्नाथ रूप वहीं प्रकट हो गया। यह है कीर्तन भक्ति की आचार्य हमारी श्री रोहिणी जी। तो द्वारिका में रोहिणी जी हैं। कीर्तन भक्ति के आचार्य नाभा गोस्वामी जी ने बताए हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखाचार्य जी ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। इनको कीर्तन भक्ति का प्रधान बताया गया कि निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखादमृतत्र विषययुतम विवत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुविभावुका। कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखाचार्य जी। तो सबसे पहले श्रवण भक्ति जीवन में आनी आवश्यक है, उसके पश्चात ही कीर्तन भक्ति प्रकट होगी। और कीर्तन भक्ति कि उसके लिए व्यासपीठ की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एक बढ़िया सुंदर पंडाल हो, बहुत सारे वैष्णव जन हो, ये आवश्यक नहीं है। कीर्तन भक्ति तो जब ठाकुर जी का स्मरण हो तभी वहीं प्रारंभ हो जाए। कुछ न भी मिले श्रोता सुनने को तो स्वयं को सुनाओ, ऐसे कीर्तन भक्ति करो। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि कथा सुनने के बाद में थोड़ी देर एकांत में बैठो, और एकांत में बैठकर के जो छोटे छोटे बिंदु प्राप्त किए व्यासपीठ से उन पर चिंतन करो, स्वयं को सुनाओ। श्रवण के बाद वही कीर्तन भक्ति, अपने आप को सुनाओ। श्री सुखाचार्य जी कीर्तन भक्ति के आचार्य। जिस प्रकार बंधु हमारा ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव चल रहा है, ऐसे ही ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, पर द्वारिका में नहीं हुआ था, श्री कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पर ब्रज और द्वारिका दोनों का मिलन हुआ, जहां पर देवकी और यशोदा दोनों का मिलन हुआ, जहां पर नंद बाबा और श्री वसुदेव जी का मिलन हुआ, जहां भगवान की पटरानियों का ब्रज की गोपांगनाओं से मिलन हुआ, और श्री जी का श्री रुक्मिणी जी से मिलन हुआ। उस प्रसंग के कुछ विस्तृत भाव हैं, विस्तारित भाव हैं, वो सुनाएं। ऐसा अद्भुत सूर्य ग्रहण उस काल में हुआ जिसके लिए सब लोग कुरुक्षेत्र में एक दर्थ एकत्रित हुए। द्वारिका के सब लोग तैयारी करने लगे कुरुक्षेत्र जाने की, तभी ब्रज में हवा की तरह बात पहुंच गई कि भैया बहुत बड़ो यज्ञ है, व्यवहारो है, सूर्य ग्रहण को काल है, पूरे विश्व भर के लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हम ब्रजवासी इनको भी जानो चाहिए। ब्रजवासी सब कहने लगे भैया कुरुक्षेत्र जाकर के कहा करेंगे, बोले यज्ञ करेंगे, स्नान करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, वहां से पुण्य प्राप्त होगो। नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया हमें पुण्य की अभिलाषा ना है, या ब्रज में रह में तो कम से कम इन ब्रज की लता पता गुल्म पत्र यमुना आदि मार्गन को देख करके कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या मारे हमको ब्रज छोड़वे को मन ना करे। वहां कुरुक्षेत्र में जाके कहां पुण्य कमानो हमें, या ब्रज में रहवे से ब्रज कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या मारे हमको ब्रज छोड़ के कहीं ना जानो। तभी खबर पता चलती है कि
अरे भैया कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर तो द्वारिका के समस्त लोग भी पधार रहे हैं और हमारो कन्हैया भी आ रहे है। श्री कृष्ण आ रहे हैं ये समाचार जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना सब नंद भवन के बाहर जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा 100 वर्ष से अधिक है गए, लाला परसों आऊंगो ऐसो कह के गयो, मैं परसों आ जाऊंगो, लेकिन जी बैरनी परसों तो कभी आवे ही ना है ना, हर दिन आई हो वे परसों परसों परसों, प्रतीक्षा करें कल के बाद कल आवेगी, लेकिन कल भी ना आवे तो कल ना आवे तो परसों कैसे आ जाएगी। बरसों बीत गए, 100 वर्ष है गए, हे नंद बाबा आप अनुग्रह करो कृपा करो, हम ब्रजवासी को लेकर के कुरुक्षेत्र चलो, कोई यज्ञ अनुष्ठान स्नान जब तब हमें कछु ना करनो भैया, या सूर्य ग्रहण के समय पर हमारो एक ही मनोरथ पूर्ण है जाए, श्याम सुंदर नेत्रन को दिख जाए। बाबा कन्हैया की मधुर स्मृति ते 100 वर्ष तक तो हम जीवित रह लिए, लेकिन अब आगामी समय तक यदि जीवित रहनो है तो एक दर्शन की अभिलाषा तो है, और कृष्ण दर्शन लालसा, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में सब ब्रजवासियों ने तैयारी प्रारंभ कर दी, बैलगाड़ियों में अपने अपने सामान रखे खूब सुंदर, कोई कोई बाल्यकाल के ठाकुर जी की सब सामग्री जिन्होंने सजा के रखी सब लेकर के जा रहे हैं, कन्हैया को दिखाएंगे, अरे लाला तू हमारे संग खेलो करतो, तब या रस्सी से हम खेलो करते, या झूला पे हम झूलो करते, ऐसो क्यों करते ये क्यों करते, कोई गोपी ठाकुर जी की मधुर प्रिय वस्तुएं बना के ले जा रही है, बोले कृष्ण को अपने हाथन से खुमाऊंगी, वाकू पतो ना याद भी होगी कि नहीं, या कारण या तरीका ते सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे की। इसी बीच श्री जी के सामने भी प्रस्ताव रखा गया कि आप भी चलें, और सब सखी सहचरी सबकी आज्ञा सो सबके निवेदन सो हमारी किशोरी जी भी द्वारिका पधारी, पर पुनश्च कहें कृष्ण मिले इस भाव से नहीं, बस यही अनुभूति हो जाए कि जिस नगर में हमें उसी नगर में कन्हैया है, तो कहीं ना कहीं हवा जब बहेगी तो कन्हैया को स्पर्श करके हम तक आ जाएगी, बस यही में हमको संतोष है जाए, वो मिले ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। सब ब्रजवासी पहुंचे और कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है, केवल किसकी, बोले द्वारिकाधीश पधारे उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, आपने मोसो कही कि महा तो लाला आवेगो लाला मिलेगो, यहाँ तो कोई सुदई नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है? बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे भारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगन से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक राजा धीराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजा धीराज है। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही श्री कृष्ण कहाँ है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारत वर्ष के ऋषिगण आए हैं, ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया नंद बाबा तुलसी अर्चन पुष्पार्चन सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे, ये हुए का है भैया? बोले अच्छा, भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे।
द्वारपालन से जाके कहें, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया। बोले जी 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 हाँ, वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे, हमें वाको दर्शन करने में मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं, जी यशोदा मैया है, 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं। बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरो द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है रहे, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए। बोले इनको लेके भीतर आओ, भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले, बोले कहां गई तेने भैया, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं, देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वही मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के, बोले मुकुल लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए, यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है। ठाकुर जी गए जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाए, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही, लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख, तेरो बाल्यकाल में लाला, तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश, यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले, दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई कोई 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके उनके वक्ष को टटोल रहे, मैया से कह रहे, मैया मुख को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे, मैया मुख को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुख को क्षमा कर दे।
यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का। नंद बाबा, यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे। नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप भी ब्रज से? बोले हाँ हम ब्रज से। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे उनको हृदय से लगा में। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली लाला जी लक्ष्मी सी दिख रही है, या कि देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के गरे में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है। भैया ही लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जी कौन है? जैसे रुक्मणी जी आई ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हुई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये का भयो, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधु कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष और स्वयं द्वारिकाधीश की आयु 16 वर्ष। पुत्र 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और परदादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर, 16 वर्ष तो आज 16 वर्ष के, अगर कलयुग में ठाकुर जी पधारे 16 वर्ष के नहीं होंगे, मुंह लगे और कम रह जाएंगे। क्यों? जिस अवस्था में विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था से ऊपर नहीं जाते। विकार आने मतलब जहां पर वोकल कॉर्ड बदलना शुरू हो जाए, दाढ़ी मूछानी शुरू हो जाए, आप थोड़े बड़े बड़े से लगने लग जाओ, ये समझ जाओ कि अब ये विकार अवस्था है। ठाकुर जी उस अवस्था में कभी नहीं आते, ठाकुर जी सदा सहज अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में ही बैठे और मैया से कह रहे, मैया जी तेरे ही यमुना में दीप दान को प्रताप सामने बैठो है। यशोदा मैया बोली मतलब? अच्छा, ठाकुर जी को एकांत में गए हो सिंहासन? नहीं, मैं चौक में ही बैठे हैं यशोदा मैया गोद में और चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे हैं। मैया जी रुक्मणी है जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीप दान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि चार लोग देख के कहें अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही है, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही है। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लग करके। खूब स्नेह किया, अष्ट पटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ू ला कंगन हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भाई ना, आज ही आ रही है, तो आज ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही है, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही है, कोई को अपने गरे को हार उतार के दे दे, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही है। सब मना करें, बोले मैया आपको? बोले नहीं, ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों ना ये दूंगी, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है। देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं।
ये था बंधुओं ब्रज द्वारे का मिलन। और तभी पता चली भीतर बैठी देव की मैया को कि यशोदा जी आई। देव की और वसुदेव जी दोनों पधारे। यशोदा मैया के कान में ठाकुर जी बोले, मैया सामने देव की मैया आई है, मैया को कम दिखाई दे ना, या हमारे ठाकुर जी सवन को परिचय दे रहे हैं। बोले, मैया देव की मैया सामने आई है। देव की मैया को देखते ही यशोदा मैया दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगे। देव की मैया कह रही, अरे बहन कहाँ कर रही हो? बोले, विधाता कृपा करे तो आपके चरणन की कण से मुंह पे नेक अनुग्रह है जाए तो या जन्म में तो ना मिलो, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुंह को भी प्राप्त हो, ऐसी ऐसा अनुग्रह मुंह पे है। देव की मैया के चरणन से लग गई। देव की मैया ने उठा करके हृदय से लगाया। ये मधुर मिलन, खूब स्नेह दे रही है एक दूसरे को। बोले, आपको पुण्य कितना श्रेष्ठ है, कन्हैया जैसो लाला आपके घर भयो। बोले, मेरे पुण्य की कहा कहोगी बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म नए भयो, 8वें बालक के रूप में कन्हैया आयो, पर कंस तो इतना क्रूर राजा, जन्म लेते ही बालकन को मार दे। ये तो आपके और नंद बाबा को प्रताप हो कि हमारो लाला सुरक्षित रहो। 11 वर्ष 56 दिन तक आपने वहां को खूब ध्यान रखो। आज भी हमारी द्वारिका में कोई यो ना के देवकी के लाला की जय, सब यो ही के नंद यशोदा के लाल की जय। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हर जन्माष्टमी आपके ब्रज को छोड़े भय, भले ही लाला को 100 वर्ष है गए होंगे, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी द्वारिका वासी नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। और मैं कोई को रोकू ना, मुकु भी तो वही में सुख मिले। यशोदा मैया और देवकी का मिलन हुआ। सब ब्रज अवध के लोग, ब्रज और द्वारिका के लोग मिल रहे हैं। द्वारिका के लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। ये स्थिति देख करके सब भूल गए किसके क्या जप चल रहे हैं, क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई। महाराज, जहां प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहां कौन सी अग्नि जल सके। ऐसा मधुर मिलन हो रहा है। तभी एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले, कहाँ हैं? बोले, कुंज में विराज रहे हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले, तुरंत, ललिता मुकु ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले, नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे, अभी अभी मुकु पता चली, उनको तो सहस्त्र अर्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है। वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं, वो तो बहुत व्यस्त हैं। लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनके तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब सखियां भाव विह्वल हो गई।
किशोरी जी भाव विवल नहीं हुए, नीचे नेत्र करके बैठी है, पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं। 100 वर्षों की प्रतीक्षा, चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना। ठाकुर जी जहां खड़े हैं वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी, कैसे देखूं, किसको पहले देखूं। ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन, ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए, आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान, चरणों में बैठ गए और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं। और कितना सुंदर स्वरूप है श्री श्री जी का, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद है बंधु, ठाकुर जी क्या कहते हैं श्री जी को देख करके, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। हे श्यामा जी, वैसे तो आप निरंतर द्वारिका में भी हम रहे तो हमारे चित्त में रहते हैं, पर निरंतर आपके हर बार के रूप की वर्णन कहा करूं, हर बार एक नयो नयो रूप से दिखे आप में। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख तब तब नयो नयो लागे, तब तब नयो नयो लागे, ऐसे ब्रह्म होत में काहू देख न री दुति को दुति लेखन न कागत। ऐसा लगे आपको देख करके कि शायद पहले मैंने कभी देखो ही ना, ये तो कोई नयो रूप है, रूप तो वही है लेकिन वाकई कांति ऐसी अद्भुत है जाए कि हर बार ऐसा लगे कि मैंने कोई नया रूप देखो। आपके अरूप की बलैया, कोटि चंद्र ते कहां दुराऊं री नए नए रागत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की शांति, ना होई तुष्टि रही निसदन जागत। कोटि कोटि चंद्रमान से भी यदि आपकी नजर बलैया उतारूं तो भी फीको लगे, ऐसो मधुर स्वरूप है ठाकुर श्री जी को। किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहते हैं, श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुकु। ठाकुर जी बोले, जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए। बोले, जा दिन आप व्रत छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रु बिंद भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि आगे की लीला संवरण हो, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए कि एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके वह वचन को निर्वहन करते भाई आज 100 वर्ष है गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रों से नहीं आई है। मैं आपसे यही मांगना चाहूंगा, आज मुझको आज्ञा दे दो, वो जो हृदय में सागर, वो जो हृदय में तालाब नदी बन चुका है और नदी के भाव से अब सागर बन चुका है, वाकु अब यहां से प्रस्थान करन दे, मुझको रोवे को वरदान दे दो, मैं थोड़ा रोना चाहूंगा।
सौ वर्षन से दो कार्य श्री जी ने नहीं किए, एक तो सोई नहीं है, दूसरे नेत्रों से एक अश्रु बिंदु भी प्रकट नहीं किया। और आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके श्री जी कहती हैं, आप आज्ञा करो। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, हृदय से लगा लियो, चिन्मय चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हैं लगे। सब सखियां रूप को देख करके आनंदित हैं लगी। ठाकुर जी के द्वारिका रूप, द्वारिकाधीश रूप से वह रूप को धुला करके अब वृंदावन चंद के रूप में उनको तैयार करने लगी। टेढ़ो पाग, टेढ़ो सो मुकुट सिर पर धारण करायो, कारी कमरी पहनाइए, हाथन में शंख चक्र गदा पद्म थे, दो भुजा वाले ठाकुर जी है गए, कर में मुरली पधरा दे, ठाकुर जी की कारी कामर डाल करके चंदन को इत्र लगायो, ठाकुर जी की मधुर पत्रावली को श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दिए। द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे हैं। सब सखियां सहचरियां इस रूप को देख करके कह रही हैं, लाला सौ वर्ष पहले के रूप को देख करके आज तक जीवित रही, अब आज यार युगल रूप को देख के आगामी सौ वर्ष तक तुम ना भी दिखोगे तो भी रह लेंगे, बस आज दिख गए यही बहुत। श्री जी ठाकुर जी के मधुर रूप को देख करके एक षोडश गीत का बंधुआ एक भाव है, मुझे बहुत प्रिय लगता है, मैंने कभी आज तक नहीं गाया अपनी कथाओं में, पर आज मन में भाव आया कि जब श्री जी का ये भाव आए तो ये षोडश गीत का भाव हमारे भारत में पूज्य भाई जी जिनके द्वारा षोडश गीत लिखे गए वो क्या गाते हैं, श्री जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी के, बहुत सुंदर भाव है। तो दासी नित्य तिहारी, तो दासी नित्य तिहारी, तो दासी नित्य तिहारी, तो दासी नित्य तिहारी, तो दासी। श्री भाई जी महाराज ने ये षोडश गीत लिखे और ऐसा सुना गया कि षोडश गीत श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गर्भगृह में जो कपाट है श्री जगन्नाथ जी के, उन कपाटों के पीछे लिखे हुए हैं। एक बार किसी पुजारी ने प्रयास किया, बोले कि अरे ये किसी आचार्य की वाणी नहीं है, ये ठाकुर जी के कपाटों पर क्यों लिखी है, और वह भी जब बंद होते हैं तो रात भर ठाकुर जी उसका दर्शन करते हैं। षोडश गीत हटाओ इनको, निकालो यहां से, ऐसा प्रस्ताव जारी किया तो रात्रि में जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर नृसिंह रूप धारण करके बोले, खबरदार जो कपाटों का स्पर्श किया। तो ये षोडश गीत हमारे भारत में प्रकट हुए श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए। वहां पर एक पद श्री जी ठाकुर जी के लिए गाती है, दूसरा पद ठाकुर जी श्री जी के लिए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। अब मैंने सुना तो मैं बहुत बार सुनता हूँ, लाल जी को सुनाता हूँ रात्रि में, पर कथा में आज पहली बार प्रयास कर रहा हूँ केवल कि हमारे द्वारिकाधीश को श्री जी की नेक याद आ जाए। वैसे तो वो निरंतर याद करें, पर फिर भी एक ब्रज द्वारिका मिलन है तो श्री जी को ये भाव ठाकुर जी के। हे हो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहार,
ठाकुर जी गा रहे हैं, श्री जी को अपने अंक में भर करके संपूर्ण भावों को सुनकर के अब ठाकुर जी क्या गा रहे हैं। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कही सुछ पावो। ठाकुर जी श्री जी से मिले, सब सखियों ने ठाकुर जी का ब्रज नंदन के रूप में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठाए और बैठा करके खूब नेत्रन से निहारो। और बंधुओं, अब यहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे, केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जू, अब बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछुदना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलतो रहेगा। और श्री जी बोली, फिर से समय देके जा रहे हो आप, पहले परसों को समय देके गए और या बार तो आप पिछली बार तो चलो परसों के भरोसे हम रह लें, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कहा है। ठाकुर जी चरणन में गिर गए, बोले मुझको क्षमा कर दो, ये लीला करना बहुत आवश्यक है। अभी यदुवंशीन को संहार आदि सब क्रिया है, आपकी आज्ञा से सब होएगा, वह को पूर्ण करते ही मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में हम आप निभृत निकुंज में लीला विहार करेंगे। ब्रज द्वारिका में मिलन में यह वचन किशोरी जी ने दियो, ठाकुर जी ने दियो। किशोरी जी जिद्दी नहीं है, किशोरी जी पीछे थोड़ी पड़े ठाकुर जी के, जामे आपकी रुचि जैसा आपको। कितना सुंदर भाव भाई जी का ये, मैंने पहली बार गाया, मुझे तो आता भी नहीं, बस गा दिया। ऐसे षोडश गीत हैं, एक गीत ठाकुर जी गाते हैं, फिर दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी गाते, फिर किशोरी जी गाती हैं। ऐसे भाई जी ने आज ही सुबह जब देख रहा था तो हमारा एक
एक बालक हमसे बोले, महाराज जी कभी श्री जी की कृपा हो तो अगले, या कभी भी, कोई वचन नहीं दे रहा हूं, पर ठाकुर जी के ही उत्सव में वर्ष भर तो हम कथा करते हैं, ये तो हमारी लाल जी से चर्चा है, इसमें कभी षोडश गीत गाएंगे, पूरे 16 गीत जो ठाकुर जी और श्री जी के हैं, और उन्हीं पर ही चर्चा जो यथामति शक्ति गुरुजनों की आज्ञा लाल जी की इच्छा से होगी वो करेंगे। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, जान ना कछु सुख जानो, आप जिसमें सुखी वही मेरो सुख है, और मेरे लिए अन्य कोई मेरे द्वारा निर्मित कोई सुख नहीं है। लाल जी आपको जिसमें प्रसन्नता वही मेरा सुख है, तो मैं अपना सुख बताऊं कैसे। श्री जी के भाव सुन करके ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी ने पहली बार के ललिता जी शयन सैया लगाओ, आज शयन करेंगे हम 100 वर्ष के बाद। ठाकुर जी की काली कामर नित्य श्री जी ओढ़ती हैं और वंशी को अपने चित्त से लगाती हैं। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी को निद्रा आई है, पड़ गई शयन सैया पर। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके गए, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार ब्रज के नंदन बना के भेजे गोपी ने, ऐसा श्रृंगार तो कभी द्वारिका में भी नहीं हुआ ठाकुर जी का। श्रृंगार को देख करके महाराज रुक्मणी को यह भी भान नहीं रहा कि मैं रुक्मणी हूं, ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा श्रृंगार, श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश कहां गए थे आप, ये इतना सुंदर श्रृंगार। ठाकुर जी के नेत्र ही बता रहे थे कहां गए थे, नेत्रों में हल्के हल्के अश्रुबिंद हैं, नेत्र लाल पड़े हैं। समझ गई रुक्मणी जी कि श्री जी पधारी। ठाकुर जी तो जाकर के अपने कक्ष में विराजमान हो गए, लेकिन रुक्मणी जी की व्याकुलता बढ़ गई अब कि मैं जाऊं, मैं भी श्री जी का दर्शन करूं। अपनी अस्त सखी, अस्त भगवान की पटरानियों को संग लेकर के श्री रुक्मणी जी गई हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। आज श्री जी पौड़ी हैं, पहली बार 100 वर्ष बाद सुई ललिता विशाखा को बड़ो चैन मिलो है, द्वार पर बैठ गई हैं, बोले कि अब चाहे ब्रजवासी अपनों ग्रहण आदि पूर्ण करके चली जाए, श्री जी तो तभी जाएंगे जब निद्रा पूरी होगी, 100 वर्ष की निद्रा है। मधुर सुगंधी ठाकुर जी के अंग की आ रही है, कारी कमरी हो रही भई है, वंशी चित्त से लगी भई है, श्री जी मधुर शयन कर रही हैं। जैसे ही रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी के आते ही श्री जी उठ करके अपने आप बैठ गई और बोली, ललिता जरा देखियो, मुझे लगा श्याम सुंदर फिर आ गए। बोले अब कहा भाई, अब तो श्याम सुंदर नहीं आए थे। बोले श्याम सुंदर को हृदय से लगा के रुक्मणी जी आई, तो उनके तन की सुगंधी रुक्मणी जी में से आ रही थी और श्री जी को उसी से ही भान हो गया कि श्याम सुंदर आए। उठ के बैठ गए श्री जी, बोले ललिता देखियो द्वार पर श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी फिर आए। अब की बार द्वार खोल करके देखा तो रुक्मणी जी खड़ी है। आहा, द्वार खोला था श्री ललिता जी ने, ललिता जी की रूप माधुरी देखते ही श्री रुक्मणी जी तो नतमस्तक हो गई, प्रणाम करने लगी कांति देख करके, हे श्यामा जू, हे लाडली जू, आपको बारंबार प्रणाम करूं, आपकी बलैया लूं, ऐसो सुंदर रूप, ऐसो सुंदर माधुर्य। ललिता जी ने तुरंत उठाई, बोले नहीं मैं ललिता हूं, श्री जी तो भीतर विराज रही है, शयन कर रही है आज, आप कहो। रुक्मणी तो बस बोले ही नहीं पाई, शब्द ही चले गए, बोले कि ये दासी की सुंदरता है तो श्यामा जी की सुंदरता क्या होगी, नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है देखने की। एक बात कहूं बंधुओं, कई प्रश्न और कई भाव आते हैं कि वृंदावन में श्री जी के दर्शन क्यों नहीं है, या को एक भाव यही है कि श्री जी को देखवे की सामर्थ्य केवल और केवल ठाकुर जी में, हम में है ही ना है।
हम देख ही ना सके उनको, या हमारे श्री जी के दर्शन होमे ही ना है। और एक बात कहूं, ठाकुर जी दिख जाएंगे, ब्रजवासी दिख जाएंगे, ब्रज की पूरी लीला का उतना प्रत्यक्ष दिख जाएगी, लेकिन श्री जी को देखने के लायक हमारे पास नेत्र है ही ना है, उनके दर्शन तो ना है सके। उनकी तो कृपा ही इतनी है, उनको तो भाव ही इतना कि बाकू बोलते बोलते रसिक जन भावुक कह जाए। श्री जी को नाम गाते गाते लोग कितने वर्षन की समाधि में चले। और इनकी छोड़ो, श्रीमद भागवत के वक्ता श्री सुखाचार्य जी महाराज, श्री सुख मूर्छित भय मास षट, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए सुखाचार्य जी श्री जी का नाम बोलते। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनकी लीला, जिनके केवल अनुभव मात्र से ऐसी स्थिति हो जाती है, वो प्रत्यक्ष दिखेंगे हमको? संभव नहीं, हम में सामर्थ्य नहीं। रुक्मणी जी आदि आई, बोले श्री जी के दर्शन करने। ललिता जी बोली आज शयन में है, और ये कोई साधारण शयन नहीं है, 7 वर्ष के पश्चात का शयन है। या हमारे हम किशोरी जी को उठाए ना सके, पर आपकी बहुत इच्छा है तो झरोके में से श्री जी को दिखा देंगे। और एक झरोके में लेके गई। बंधु एक बात कहें, वृंदावन दर्शन की रीति है, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को नेत्रों से मत देखो। कोई खंबा हो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो, उसके पीछे छुपके श्याम सुंदर को देखो, उनके दर्शन नहीं करो, उनको ढूंढो कहां है। प्रत्यक्ष जाकर के आप श्याम सुंदर को 2 नेत्रों से देखने का प्रयास करते हैं, वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन द्वारिका में चल जाएगा, जगन्नाथपुरी में चल जाएगा, वृंदावन तो झरोकों से देखने का विषय है, वहां तो छुपके देखो, स्वयं को छुपा करके देखो। रुक्मणी जी ने जैसे ही झरोके में से झांका, कारी कमरी ओढ़ी है श्री जी ने, वक्ष पर ठाकुर जी की वंशी वेणु को लगाए श्री जी लेती हैं, और बस उसी समय रुक्मणी जी का देखना हुआ, और उसी समय श्री जी ने कारी कमरी में से नेक अपनो चरण बाहर निकारो, और वह चरण को देखते ही महाराज रुक्मणी जी के सारे अर्थ नष्ट हो गए, सारा अहंकार नष्ट हो गया, जो भी विषाद रहे होंगे भीतर वह भी नष्ट हो गए। बस पूर्णतया ललिता जी के हाथ पकड़ लिए, बोले मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे इनके चरणों में ही रहना है, मुझे वापस नहीं जाना, आप कृपा करो मुझको भी दासी बना दो, मुझको भी संग सहचरी रख लो, मुझे द्वारिका नहीं जाना। ये स्थिति है श्री किशोरी जी के चरणारविंदों की, कि नित्य ठाकुर जी के संग रहने वाली रुक्मणी जी ठाकुर जी का त्याग करने को राजी हो गई, लेकिन किशोरी जी के चरण नहीं छोड़ेंगी। अभी मुख तो देखा ही नहीं है, अभी तो चरण देखे हैं श्री जी के। क्रंदन करने लगी, भाव क्रंदन रुदन करने लगी श्री रुक्मणी जी, मुझे चरणों में रख, धन धन राधिका के चरण, ऐसे चरणारविंद श्री जी के, मुझे इनकी सेवा करनी, एक बार स्पर्श करा दो बस, मैं आपको और कुछ नहीं कहूं, मुख देखने की भी इच्छा नहीं, बस चरण का दर्शन करा दो, एक बार समीप ले जाकर के नेक चरणन से मेरो स्पर्श करा दो बस। तब ललिता आदि विशाखा भाव विहल रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से उठा करके, चल भी नहीं पा रही है, लेकर के जैसे ही कक्ष में आई, श्री जी के चरणार बिंदों का जैसे ही स्पर्श किया, उठ करके बैठ गई किशोरी जी, रुक्मणी जी को देखा, रुदन कर रही है अविरल अश्रुधार, और जैसे ही श्री जी के मुखमंडल को देखा रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी कह रही है कोई पूछ लो मुझसे कि श्री जी कैसी दिखती है, कोई तो पूछो मुझसे कि श्री जी का दर्शन कैसा है। पहली बात तो वर्णन कर नहीं पाऊंगी, और दूसरा अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो बता नहीं पाऊंगी, बस ले चलूंगी कहां, श्री जी के पास नहीं, श्याम सुंदर के पास, और श्याम सुंदर को ले जाकर के सुंदर चुनरी पहनाऊंगी, सुंदर आंखन में काजल लगाऊंगी, उनके घुंघराले केशन को खोल दूंगी, बस अपने भाव से उनके उनके श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दी, समझियो यही है श्री जी, यही है किशोरी जी, यही है हमारी लाडली जी, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है,
रुक्मणी जी तो ये आश्चर्य में है कि दोनों एक से ही दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नेत्र हैं श्री जी के, वैसे ही नेत्र हैं ठाकुर जी, वैसे ही नासिका, वैसे ही ओष्ठ, पलक झपकने को तरीका भी सवन को अलग होवे, श्री जी और ठाकुर जी पलक भी वैसे ही झपके जैसे एक ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। रुक्मणी जी से ज्यादा कौन जाने, 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में रहे, गर्दन हिलावे को, बोलवे को, उठवे को, अचकवे को, सब बिल्कुल एक जैसो है, बस गौर वरना है, उस श्याम वरना है, कोई अंतर नहीं। ये है असली ब्रज द्वारी का मिलन। खूब देर तक श्री जी के चरण सेवा करती रही, श्री जी अपने हस्त कमल से रुक्मणी जी के मस्तक को फेरती रही, आपस में खूब प्रेम चर्चा, भाव चर्चा हुई। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की कि श्री जी 16,100 सखियां और हैं, मेरी बहन 16,100 और हैं, आप कृपा करो ना, मैं तो चाहूं कि ऐसा दर्शन उनको भी प्राप्त हो, ये सेवा आप तो ऐसी कृपा कर दो, हम यहां से द्वारिका जाएंगे ही नहीं, 16,108 को आप अपने संग ले चलो, अगर आप हमसे पूछो तो हम तो आपको वरण कर, आपसे ब्याह करवे को तैयार हैं, 16,108 आपके संग चल देंगे वृंदावन, हमें ना जानो द्वारिका, द्वारिकाधीश रहे अपने यदुवंशीन के संग, हमें तो आपको संग चाहिए, अब आपके संग चलेंगे। किशोरी जी बोली नहीं, ध्यान रखो हमारे हृदय बिहारी को, कछु दिना के बात हो रहे, खूब स्नेह करो, खूब भाव, फिर आप आ जाइयो कुंज में, आप भी विराजमान है जाइयो, वहां कुंज की लीला में फिर संग रहेंगे। और रुक्मणी जी प्रणाम करके, आज्ञा लेकर के कि आप पधारो, ऐसी ऐसा भाव रख करके गई। श्री जी बोली ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, आऊंगी। और रुक्मणी जी वापस चली गई, प्रतीक्षा कर रही है कब श्री जी पधारेंगे, कब किशोरी जी आएंगी। और सायंकालीन समय भयो, 16,100 पटरानियां अपनी पलकें बिछाए खड़ी हैं, सब प्रतीक्षा कर रही हैं, श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी पधारेंगी। और तभी ललिता विशाखा सब अष्ट सखीन के साथ श्री जी पधारे, श्री जी के रूप माधुरी को दर्शन, श्री जी के चरणन को दर्शन, श्री जी के भाव को दर्शन करके सब निहाल हो गई, कितनी तो मूर्छित हो गई गिनती नहीं, श्री जी को रूप देख करके। खूब सारी सामग्री प्रस्तुत की गई, गरम दूध का पात्र, अब सखियों को सबने, रुक्मणी आदि ने कही आप सब कौन है, जाओ हम सेवा में रहेंगी, हम कुछ सेवा को अवसर दो। और सिंहासन पर विराजमान करके श्री जी के, कोई कोई भगवान की पटरानी श्री जी के पामन में नूपुर पहना रही है, कोई हाथन में कडूला पहना रही है, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, मावर लगा रही है, रुक्मणी जी पत्रावली बना रही है, श्री जी को श्रृंगार कर रही है, माला पहना रही है, इत्र छिड़क रही है, सुंदर कुंज जैसी बनाई है। और सब सखियां श्री जी की सेवा में, और ऐसे नहीं कि कोई भार पड़ रहा हो, बल्कि एक दूसरे से जिज्ञासा कर रही है, अब नेक मुकु दे दे अवसर, सबके अंदर जिज्ञासा, हम जाएं श्री जी के पास, उनकी सेवा करें। सामग्री पधराई गई सामने पाने के लिए, और तभी रुक्मणी जी ने भाव गलती से बोल दिया, बोले आप प्रसाद पालो, तो मना कर रही थी, तो गलती से मुख से निकल गया, ये हमारे द्वारिकाधीश को अधरामृत है। अधरामृत शब्द सुनते ही श्री जी ने तुरंत वो दुग्ध को पात्र, जो बहुत गर्म हो, तो अब सखियां संग होती हैं तो फूंक करके नेकवा को ठंडो करके तब श्री जी को पवाते हैं, लेकिन सखियां तो सब दूर खड़ी हैं, अब तो सब कृष्ण पटरानियां चारों तरफ बैठी हैं, कोई ने विचार नहीं किया। और महाराज श्री जी ने जैसी पता चली अधरामृत, 100 वर्ष बाद अधरामृत प्राप्त हो रहा ठाकुर जी को, तुरंत उठाई करके मुख से लगा करके पान करने लगी। इतने में सब सखियां भी दौड़ी दौड़ी गईं, मुख के कुछ भागन से वो अधरामृत छिटक रहे हो, सब ललिता विशाखा आदि सखियां अंजलि फैला करके बैठ गई, 2-4 बूंद भी यदि हमको प्राप्त है जाए तो कृपा है जाए, यहाँ तो श्री जी केवल ठाकुर जी को अधरामृत ले रही है, लेकिन सखियां तो अंजलि फैला करके श्री जी
जी ठाकुर जी दोनों को अदरामृत पान कर रही हैं, और वही अदरामृत को पान जो सहचरियां कर रही हैं, उन सहचरियन के मिलित अदरामृत को पान सब कृष्ण पटरानियां कर रही हैं। अद्भुत भाव दशा, वर्णन नहीं हो सकता उसका। ऐसी हमारी श्यामा जी ठाकुर जी के चरण में छाले पड़ गए, कथा सबको पता है। रुक्मणी जी ने जब दर्शन किए तो फिर ठाकुर जी ने बताई, श्री जी के चित्त में हमारे चरण विराजमान हैं, उनके चित्त में हमारे चरण विराजमान है, यही मारे ये भाव दशा भई है। बोलो।